हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में खुश होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। आप सबकी माता रानी हर दुआ कबूल करे और आपकी फैमिली में आप सब हेल्दी रहे, फिट रहे। क्योंकि जब हम हेल्दी होते हैं, जब हम फिट होते हैं तो हम खुश होते हैं। अगर हम बीमार होते हैं, अगर हम मोटापे के पीछे अपनी बीमारियों को छुपा के हम सोचते हैं कि हम लाइफ जी रहे हैं, तो गलत, बिल्कुल गलत। वो बीमारियां कभी ना कभी आपके सामने जरूर आएगी। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, टाइम रहते जरूर अपने आप को फिट कर लीजिए। पतला ही नहीं होना आपको कि आप बहुत ज्यादा हार्श डाइट करके कोई ऐसा डाइट प्लान ले लो जिसमें आप अपने आप को भूखा रखो, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म, तो आप सोच रहे हो कि हाँ जी हमने फास्ट कर दिया, हम पतले हो रहे हैं, हमारे इंचेस लूज हो रहे हैं। नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैं जिनको भी डाइट्स देती हूँ उनको एक ही चीज बोलती हूँ, खाना सब कुछ है पर बैलेंस करके। आपको बैलेंस करना आना चाहिए, आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि हाँ जी मैं अपना फेवरेट खाना नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकती। तो आपके अंदर ये हिम्मत भी होनी चाहिए कि आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि हाँ जी मुझे फिजिकल एक्टिविटी अपनी प्रॉपर रखनी है, ताकि मैं अपना पसंद का खाना भी खा सकूं और पतला या पतली भी हो सकूं। नवरात्रि जब भी आते हैं मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। एक तो माता रानी की वजह से, मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ। भगवान किसी भी रूप में हो, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, किसी भी रूप में हो, हम सब उन्हें मानते हैं, तो हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है। आप किसी भी उससे धर्म से हो, किसी भी सोसाइटी से हो, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी, आपके अंदर वो उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए। जब इंसान के अंदर उम्मीद बरकरार रहती है, वो उम्मीद उसे बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। लाइफ ने एक ऐसा, आपको पता है, मदर की वजह से बहुत ज़्यादा 2 महीने से बिल्कुल लाइफ ऐसी हो चुकी है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, हॉस्पिटल, मतलब बिल्कुल ऐसे हो चुका है। बिल्कुल सारे काम को मैं बिल्कुल साइड कर चुकी हूँ, सब चीज़ों को मैं साइड कर चुकी हूँ। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ इस टाइम मदर की हेल्थ है, जो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी लगती है कि मुझे उनको बिल्कुल ठीक करना है। उनकी शुगर मैं बिल्कुल ठीक कर चुकी हूँ, उनका थायराइड मैं बिल्कुल ठीक कर चुकी हूँ। जब उनका शुगर, थायराइड और बीपी, इन चीज़ों को मैंने डाइट से कंट्रोल किया, तब जाके हमें जो कॉन्फर्मेशन मिलना था डॉक्टर से, हाँ जी इनकी बॉडी अब ऑपरेशन के लिए रेडी है, तब हम उनका ऑपरेशन करवा पाए। ऑपरेशन के बाद भी कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस आ गई थी, जिसकी वजह से जो ऑपरेशन का प्रोसीजर था वो लंबा चला, उनको दोबारा से स्टिचेस वगैरह करवाने पड़े। होता है लाइफ में, जब मुश्किल आती है तो बहुत ज़्यादा आ जाती है, पर वही ऊपर वाले पे जब हम भरोसा रखते हैं तो एक उम्मीद भी होती है कि हाँ जी वो सब कुछ ठीक कर देगा। और वो उस अपने बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबतों को देखते हैं, देखे कि क्या ये हैंडल कर पाता है या कर पाती है। जब भी हमारे ऊपर मुश्किलें आती है तो घबराया मत कीजिए, ये सोचा कीजिए कि ऊपर वाले ने टफ क्वेश्चन पेपर दिया है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तभी मैं इतनी पॉजिटिव रहती हूँ, तभी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा। थोड़ा सा बिजी जरूर हो गई ये मैं बोलती हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा, अपने आप को, मैंने अपनी बॉडी को भी बिल्कुल पॉजिटिव रखा। अगर मैं हेल्दी ना होती, अगर मैं 1 साल पहले वाली होती, क्या मैं इतना सब कुछ कर पाती? नहीं कर पाती। तो नवरात्रे आ चुके हैं, नवरात्रों में मैं भी अपनी बॉडी को अच्छी तरह से डिटॉक्स करूंगी, क्योंकि आपको पता है भाग दौड़ में, इन सब चीज़ों में बॉडी थोड़ी सी स्वेलिंग में हो जाती है। अदरवाइज मैंने बहुत अच्छे खासे इंचेस लूज किए हैं, लेकिन मैं अपनी स्किन पे भी ध्यान रखती हूँ। हमेशा मैं ऑयल पुलिंग जरूर करती हूँ, वॉक मेरी पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैं अगर बाहर भी जाती हूँ, जो ये कहते हैं ना कि ट्रैवलिंग में बाहर का खाना हो जाता है, क्यों हो जाता है जी? कोल्ड ड्रिंक ही एक ऑप्शन नहीं होता, सिकंजवी ही एक ऑप्शन नहीं होता, आपके पास नारियल पानी ऑप्शन होता है, आप जूसेस ले सकते हो, आप अपने एप्पल्स को या फ्रूट्स को कैरी करके साथ में लेके जा सकते हो, आप हेल्दी ऑप्शन भी ले सकते हो। आजकल तो रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी बहुत तरह के अच्छे अच्छे आपको सैलेड्स दिए जाते हैं, आप सैलेड्स भी आप ऑर्डर कर सकते हो, जरूरी नहीं है। ये खुद से बहाना करना छोड़ दीजिए कि हम ट्रैवलिंग पे होते हैं तो हमें कुछ ऐसा उल्टा सीधा ही खाना होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नवरात्रे हैं, इन नवरात्रों में 9 दिन खुद को बिल्कुल डिटॉक्स कर दीजिए, अच्छी सी होममेड टी लीजिए, अच्छे सा अपने आप को ब्रेकफास्ट दीजिए, कोई भी फ्रूट दे सकते हो, सीजनल फ्रूट दिया कीजिए,
जिससे आपको अच्छी तरह से उसके फाइबर भी मिले और जूसेस भी मिले। जूसेस को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए अगर आपको बॉडी डिटॉक्स करनी है। फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि रात का डिनर हैवी मत करना। जो गलती करते हैं नवरात्रों में कि रात को कुट्टू की रोटी या बहुत सारी सब्जी या बहुत सारा कर्ड लेके बैठ जाते हैं, वो मत करना। कोशिश करना मेरे की तरह 9 के 9 दिन अपने आप को सोल्ट फ्री कर सको या फिर सोल्ट फ्री डिनर कर सको तो वेल एंड गुड है। अपने आप को ऐश कार्ड का जूस दे सकते हो, एबीसी जूस दे सकते हो, एप्पल बीटरूट कैरेट का जूस दे सकते हो, अपने आप को करेले का या फिर उसके अंदर कुकम्बर या फिर थोड़ा सा उसके अंदर आप आंवला डाल के ले सकते हो। उससे भी बहुत अच्छी बॉडी डिटॉक्स होती है। ऐश गार्ड के जूस से इतनी अच्छी बॉडी डिटॉक्स होती है फ्रेंड्स। आपको यूरिन बार बार तो जरूर जाना पड़ता है पर आपकी बॉडी बहुत अच्छी क्लीन होगी, हेल्दी होगी। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स इसके होते हैं, मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो जरूर लेके आऊंगी। कुट्टू की रोटी आपने ऐसे नहीं करनी कि आपने उसको फ्राई करके खाने, नहीं, उसे आपने तवे पे सेक के खाना है। चिलाई के लड्डू, चिप्स हो गया या नमकीन होगी जो आप सोचते हो, ये गलतियां करके आप नवरात्रों में कहां तो वेट कम करने वाले थे पर नवरात्रों में आप वेट बढ़ा देते हो, तो ये गलती आपने नहीं करनी। मैं बिल्कुल 9 के 9 दिन बिल्कुल भी ना, तो मैंने अपने पिछले जब मैं वेट लॉस जर्नी पे थी फ्रेंड्स, मुझे एक इतना अच्छा ना मतलब पुश मिला था नवरात्रों में। आप मेरी पिछली वीडियोस जाके देख सकते हो, नवरात्रे 9 के 9 दिन आपका 5 से 7 किलो इजली वेट कम करेंगे और इंचिस भी बहुत अच्छे खासे कम करेंगे। अगर आप फ्राई मत खाना, अगर आप अपने आप को बार बार मील मत देते रहना, हाय मैं तो भूखा मर रहा हूँ या मैं भूखी हूँ, अगर आपके अंदर ये फीलिंग आती रहेगी मैं भूखी हूं, सिर्फ माइंड गेम है, अगर आप सोचते हो आपको भूख लगी है तो आपको क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है। अगर आप सोचते हो नहीं मुझे क्रेविंग नहीं हो रही है, मुझे भूख नहीं लगी, मुझे पानी की प्यास लगी है, पानी का इनटेक प्रॉपर रखना, क्योंकि जब भी रमजान आते हैं या जब भी नवरात्रे आते हैं हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमारा वेट डाउन नहीं हो पाता है। तो अपने आप को अच्छा सा आपने जूसेस पे भी रखना है, डिटॉक्स भी करना है, डिटॉक्स वाटर जरूर लिया कीजिए, अपने आप को फाइबर जरूर देना है। सैलेड्स वगैरह दे सकते हो आप, पीनट सैलेड ले सकते हो, पनीर सैलेड ले सकते हो आप, मखाने का सैलेड ले सकते हो, इनके रायते ले सकते हो, बहुत सारी वैरायटीज होती है, घिया को कद्दूकस करके आप उसका रायता ले सकते हो, आप सेब का रायता ले सकते हो, पपाये का ले सकते हो, आप किसी भी फ्रूट का या फिर सैलेड में, बहुत सारा सैलेड आप बारीक बारीक चॉप कीजिए, उसे आप कर्ड में डाल के विदाउट सॉल्ट सिर्फ फैट कटर मसाला जो नवरात्रे स्पेशल है फ्रेंड्स उसे डाल के खाने की आदत डालिए, आपके इंचेस बहुत अच्छे खासे कम होंगे इन नवरात्रों में अगर आप वो करते हो। लस्सी लेते हो, कर्ड लेते हो, नमक मत ऐड करना, उसके अंदर सॉल्ट को तो बस दूर कर दीजिए अपनी लाइफ से कि नहीं, सॉल्ट से हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स नहीं होंगे बल्कि नुकसान ही होगा, तो देखना कितना अच्छा जादू होता है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग ये जो छोटी छोटी बातें हैं उनको फॉलो करके अब नवरात्रों में अपना अच्छा खासा वेट कम कर लोगे। आप लोगों से मैं बस एक चीज कहूंगी, मैं आप लोगों से दूर नहीं हूं, मैं आप लोगों के दिल में रहती हूँ, आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, प्लीज मेरी मदर के लिए प्रे जरूर करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, जल्दी से बिल्कुल आगे जो प्रोसीजर है उनका वो हम स्टार्ट करवा पाएंगे तभी जब वो अच्छी तरह से हेल्दी हो पाएंगे। एक लंबी लड़ाई मुझे लड़नी है, वो तभी पॉसिबल है जब मैं नवरात्रे में अपने आप को बिल्कुल डिटॉक्स करके अपनी बॉडी को क्लीन करूंगी, क्योंकि मशीन ग्री है, बॉडी के अंदर भी हमारी मशीनें हैं, उन मशीनों को हमने डिटॉक्स करके रिलैक्स देना है। और रिलैक्स कब देते हैं? जब हम सोल्ट फ्री करते हैं। सिर्फ वेट के पीछे मत भागिए कि मैंने वेट के पीछे भागना, नहीं, दुनिया में सबसे मुश्किल बेड कौन सा होता है? जब हम बीमार होके बेड पे लेटते हैं। दुनिया में अगर सबसे महंगा बेड कोई होता है तो वो हॉस्पिटल का बेड होता है। तो इसलिए आपने अपने आप को हेल्दी रखना है और रात को बेड पे जब सोते हो गर्म पानी में नहा के सोया कीजिए, बहुत अच्छी नींद आपने लेनी है, प्रॉपर नींद लीजिए। जितना आप अपने आप को रात को अच्छी तरह से नींद दोगे उतने अच्छे खासे आपके इंचेस लूज होंगे। मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक पे जरूर लेके जाइए, अपनी ये जिम्मेवारी रखिए, हमारी बॉडी हमारी जिम्मेवारी है, उस रब ने हमें ये घर दिया है, इस घर को हमने अच्छी तरह से रखना है। तो फ्रेंड्स आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, जब भी मुझे बीच बीच में टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के साथ जरूर छोटे छोटे टिप्स शेयर करूंगी जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, मुझे एक नेगेटिव इंसान से पॉजिटिव इंसान बना दिया। एक ही चीज कहूंगी,
सबको आगे रखते हो, हमेशा दुखी रहोगे। अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को दीजिए। आप हमेशा क्या करते हो, सबको आगे करके खुद को पीछा खड़ा कर देते हो, फिर सोचते हो झांक झांक के कि कोई हमें बुलाएगा, कोई हमें बोलेगा कि हाँ जी आप भी आगे आ जाइए। कोई नहीं बुलाता। इसलिए अपनी जिम्मेवारी खुद कीजिए, अपने आप को आगे खुद रखिए। आपकी लाइफ आपकी है, एक ही लाइफ मिली है आपको। ये नहीं है ऑप्शन दिया जाएगा, नहीं जी ये लाइफ खत्म होगी, एक लाइफ और मिल जाएगी। नहीं, एक ही लाइफ है, इसे एक लाइफ में अपने आप से प्यार कीजिए, सबसे प्यार कीजिए और अपनी बॉडी से भी प्यार कीजिए। तो हैप्पी नवरात्रि टू यू, और हेल्दी रहिए, फिट रहिए, खुश रहिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और नवरात्रि की मेरी पिछली वीडियोस भी मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी, तो आपको हेल्प होगी कि मैंने पिछले नवरात्रों में कैसे अच्छे खासे अपने बहुत बहुत अच्छे खासे इंचेस भी लूज किए और वेट भी कम किया। तो जय माता दी ऑल, और आप सबकी दुआएं कबूल हो, आप सब अपने घर में अपनी फैमिली में खुश रहें। तो हैव ए नाइस डे, बाय।